हूँ फायजा और आप देख रहे हैं फायजा स्टार स्कॉट। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू लेकर आई हूँ वो है ऑल्टो VX, जिसमें मैं आपको इसके फीचर्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसकी परफॉर्मेंस, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के बारे में डिटेल से आपको आज मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो आपको ये गाड़ी लेने में भी हेल्प आउट करेगी और अगर आपके पास ये गाड़ी है तो इसके ऐसे कुछ हिडन फीचर्स मैं आपको बताऊंगी जो शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं बताऊंगी। गाड़ी की शेप की तरफ जाएंगे, इस गाड़ी की जो शेप है वो एरोडायनामिक है, जिसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जब इस गाड़ी को आप बाहर लेके निकलते हैं तो ये गाड़ी इजी टू ड्राइव एंड इजी टू पार्क है। आप इसको इजीली किसी भी छोटी गली में लेके जा सकते हैं, वहाँ पे पार्क कर सकते हैं और इसको चलाने में भी आपको आसानी होती है। तो सबसे पहले मैं इसके हम गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, जिसमें सबसे पहले हम इसकी हेडलाइट्स देखेंगे। लाइट्स हैं इसमें, जिसमें हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। जी व्यूअर्स, तो गाड़ी की फ्रंट लाइट्स के बाद हम आएंगे गाड़ी के बम्पर की तरफ। उसमें आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स के इसमें मुझे नॉर्मली ऐसा कुछ फीचर ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इसमें जो है वो कंपनी फिटेड फॉग लाइट्स भी नहीं है। वो आप देख सकते हैं ना, ऐसी कोई जगह बनी हुई है जहाँ पे हम बाद में उसे इंस्टॉल करवा सकें। लेकिन इसका एक हिडन फीचर मैंने फ्रंट में देखा है जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। इसको यहाँ से ओपन करके अगर आपकी गाड़ी कहीं पर रुक जाती है या कहीं पर आपका, तो इसका ये कवर ओपन करें, उस ओपन करने के बाद हमारे पास ट्रंक में जो टूल किट पड़ी हुई है उस टूल किट में एक इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पर लगा के आप तो गाड़ी को टच इन कर सकते हैं। वो ईजिली गाड़ी आप दूसरी गाड़ी के साथ लगा के और वहाँ से निकाल सकते हैं गाड़ी को। जी व्यूअर्स, तो जो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपके साथ हिडन फीचर शेयर करूँगी, तो उसमें पहला जो हिडन फीचर है वो गाड़ी में ये है। फ्रंट प्रोफाइल के बाद व्यूअर्स हम आएंगे गाड़ी की साइड प्रोफाइल में, जिससे सबसे पहले हम इसके टायर्स की तरफ जाएंगे। यूरो टाइकोन के इसके टायर इंस्टॉल हैं, कंपनी फिटेड टायर्स हैं और इसमें एलआरएम नहीं मिलते, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेस वेरिएंट है, तो इसमें टायर आपको ये बेसिक ही मिलेंगे। उसके बाद इसके जाएंगे साइड व्यू मिरर जो इसका है उसकी तरफ जाएंगे, जो है नॉन रिट्रैक्टेबल। इसको आप जब एडजस्ट करेंगे तो आप इसको मैनुअली एडजस्ट करेंगे ये। जी व्यूअर्स, तो साइड प्रोफाइल के बाद हम आएंगे गाड़ी के ट्रंक स्पेस की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें नॉर्मली अगर दो लगेज आप लेके जाना चाहें कहीं ट्रिप पे तो आप इजीली इसमें रख सकते हैं। उसके अलावा व्यूअर्स, इसमें पहले स्पेयर टायर आता था गाड़ियों में, जो कि अब पाकिस्तान में जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें स्पेयर टायर नहीं है। उसकी जगह ये एक टूल किट रखी गई है, जो आपकी गाड़ी अगर पंचर हो जाए, छोटा मोटा कोई काम हो, तो उसके लिए ये किट यूज़ हो सकती है। उसके बाद व्यूअर्स, ट्रंक बताने के बाद मैं आपको एक चीज़, इसका एक ड्रॉबैक बताऊँगी इस गाड़ी का, कि इसकी जो लाइट्स जहाँ पे हैं वहाँ पे अगर आप जो पाकिस्तानी रोडें हैं हमारी उसमें अगर कोई भी गाड़ी पीछे से आ रही हो या बाइक पीछे से आ रहा हो, अगर इसको हिट करेगा तो इसकी जो पीछे वाली लाइट है वो टूट जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी ये लाइट ऑलरेडी डैमेज है और इसके अंदर ये पानी गया हुआ है। और उसमें जो कैमरा नज़र आ रहा है ये भी आफ्टर मार्केट है, कंपनी फिटेड इंस्टॉल नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको मैं हिडन फीचर्स बताऊंगी, तो इसका भी एक हिडन फीचर है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। फीचर हमारा ये है कि जब हम रिफिल करवाने के लिए जाते हैं फ्यूल स्टेशन में, तो मोस्टली इसको इस तरह से खोल के और यूँ रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ये बार बार इसको हिट करता है और इसके ऊपर स्क्रैचेस डलते हैं। तो इसका हिडन फीचर ये है कि आप इसको यहाँ पे हैंग कर सकते हैं, जिससे ये उसके साथ हिट नहीं होगा और इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। तो व्यूअर्स, इसके बाद हम आते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। जी, मैरान की रिप्लेसमेंट है, तो एज़ कम्पेयर टू मैरान अगर इस गाड़ी को आप देखें तो ये गाड़ी देखने में खूबसूरत लगती है, ठीक है। इसके बाद हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इसका जो मैनुअल हैंडल है, इससे शीशा ऊपर नीचे होता है। उसके अलावा इसमें ये स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इसके अलावा ये इसमें स्पीकर कंपनी फिटेड नहीं आता, एक डमी लगी होती है जिसमें आप स्पीकर बाद में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ आएंगे, तो पावर स्टेयरिंग है व्यूअर्स इसका। लेकिन एक चीज़ इस गाड़ी में इसका ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें जो प्लास्टिक यूज़ की गई है वो इंतहाई पथेटिक है, लो क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ की गई है। आपसे की लग जाए, आपका नेल लग जाए तो फ़ौरन इस पर स्क्रैच पड़ जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ और स्पीडोमीटर की तरफ, उससे पहले मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लूँगी। जी व्यूअर्स, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो इसका अगर डोर कोई ओपन हो तो वो भी इसके शो होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। उसके बाद आपका जो ट्रिप ए ट्रिप बी है वो भी इस पर शो होता है, इसकी फ्यूल एवरेज, उसके बाद इसकी रेंज और ट्रिप ए ट्रिप बी और जितने किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है वो इस पर, ये देखें आप, ये शो हो रहा है। इसके बाद इसका फ्यूल एंड और फ्यूल फुल जब होता है तो उसके अभी आप देख लें इसके बार्स पूरे नहीं है, तो इसकी फ्यूल टैंक जो है वो अभी इसमें स्पेस है। उसके बाद हम इसके एंड्रॉयड पैनल की तरफ हम आते हैं। आप ये ना समझिएगा व्यूअर्स कि VX में उन्होंने एंड्रॉयड पैनल दे दिया है, ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया गया, इन्होंने बाद में इंस्टॉल करवाया। इससे पहले इसमें जो है वो बेसिक एक रेडियो था, तो इन्होंने उसके बाद इंस्टॉल कराया। इन्होंने
जी व्यूअर्स, इसके बाद हम आएंगे इसके, ये इसकी हैजर लाइट है और उसके अलावा ये जो है बेस वेरिएंट है तो इसमें एसी कंपनी फिटेड नहीं होता, बाद में इंस्टॉल करवाना पड़ता है, तो उसकी सारी सेटिंग तो है लेकिन बाद में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अभी इसमें है नहीं मौजूद। इसके अलावा इसके ये एयर वेंट एक राइट साइड पे है और एक इसका एयर वेंट लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा इसका ये ग्लव बॉक्स है जिसकी स्पेस आप देख सकते हैं, उसमें आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं, अच्छा कंपार्टमेंट है। उसके अलावा दो इसके ग्लास होल्डर फ्रंट पे हैं और दो इसके ग्लास होल्डर आपको इधर बैक पे नजर आएंगे। जी व्यूअर्स, जो गाड़ी में लेग स्पेस है वो एज़ कम्पेयर टू मेरान आप देख सकते हैं वो अच्छी खासी लेग स्पेस है। और आपको मैंने पहले भी बताया इसकी जो सीट्स हैं वो जो है वो फैब्रिक में आती हैं। जी व्यूअर्स, तो बैक सीट्स पे आती है, आपको एक चीज़ मैं बताऊं जो मुझे बहुत अच्छी लगी है इस गाड़ी की, कि इस गाड़ी की जो बैक सीट्स हैं उसकी भी लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है। और अगर टू पैसेंजर्स इस पर सफ़र कर रहे हो तो उसके लिए तो अच्छी है, लेकिन थ्री के लिए इसलिए अच्छी नहीं है कि इसमें दरमियान में जो कंसोल है इसमें थोड़ी सी यहाँ पे हाइट दी गई है जो कि कंफर्टेबल नहीं होगी। उसके अलावा इसका जो हेड रेस्ट है व्यूअर्स, वो भी आप देख सकते हैं कि सीट में हेड रेस्ट नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको लंबे सफ़र के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होगा। और बैक सीट्स पर क्योंकि ये बेस वेरियंट है तो इसके साथ आपको सीट बेल्ट भी नहीं मिलेंगे। व्यूअर्स, फ्रंट सीट के साथ मैंने आपको बताया कि दोनों डोर्स के साथ जो है वो आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलेंगे, जबकि बैक सीट पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे अपना कोई वॉलेट या अपना मोबाइल फ़ोन आप रख सकें। जी व्यूअर्स, तो ये इस गाड़ी का लास्ट हिडन फीचर है जो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप जब गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को आप अगर लॉक करना चाहते हैं तो बेसिकली आप जब इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये गाड़ी के पाँचों दरवाजे खुल जाते हैं इंक्लूडिंग ट्रंक, ठीक है। तो जब अगर आप इसको बैठे हुए लॉक करना चाहते हैं व्यूअर्स, तो आप इस गाड़ी का दरवाज़ा इस तरीके से बंद करके तो आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ये एक हिडन फीचर जो मोस्टली लोगों को नहीं पता। जो कि 660 cc इसका इंजन है, 39 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है। चूंकि इसकी हॉर्स पावर जो इसकी प्रोडक्शन है वो कम है, तो व्यूअर्स इसलिए ये गाड़ी जो है वो लॉन्ग जर्नी के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन शॉर्ट जर्नी के लिए आपके लिए अच्छी है, पहाड़ी इलाकों में और इस तरह से ये गाड़ी आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसका कंप्लीट रिव्यू मैंने आपको दे दिया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसमें लगता है कि किसी किस्म की इंप्रूवमेंट या कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मार्केट के लिहाज से और फीचर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है, बट स्टिल 23 लाख के बजट में अगर आप 0 मीटर कोई गाड़ी लेना चाहें तो इसके अलावा आपको गाड़ी नहीं मिलेगी इस ऑप्शन के साथ। अब एक और इसमें इसका बेनिफिट है इस गाड़ी का, वो ये है कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत अच्छी है व्यूअर्स, ये 1 लीटर में आपको 2022 की एवरेज दे देती है। इसके साथ इसके वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी किस्म की और इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं मुझसे तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आ रही है वो गाड़ी के सस्पेंशन से रिलेटेड है, तो प्लीज़ वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।